सब्सक्राइब कीजिए हमारे ओपन माइंड चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल को, जिससे आप देख पाए न्यू वीडियो सबसे पहले। सर्वनाम का तीसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से हम समझ रहे हैं, निश्चय किसी निश्चित वस्तु के बारे में, किसी निश्चित लोग के बारे में, किसी निश्चित चीज के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं, तब उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, निश्चयवाचक सर्वनाम में मुख्यतः चार शब्द यह, ये, वह और वे, इन चारों शब्दों का प्रयोग होता है। यह आया है, मतलब शायद वह कोई लड़का है या मनुष्य है, वह मेरे पास आया है, वह यहां से चला गया, या इस प्रकार कह सकते हैं, वह यहां से चली गई। तो किसी स्त्रीलिंग शब्द के बदले में वह शब्द का प्रयोग हुआ। ये शब्द बहुवचन के रूप में, ये मेरी किताबें हैं, यहां पर किताबों के लिए ये शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए निश्चित है वो। किसी निश्चित शब्द के बारे में जिन सर्वनाम शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, उन्हें हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में मुख्यतः यह, ये, वह, वे ही आते हैं।